आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। हंगामे के साथ ही फोन टैपिंग और जासूसी के मुद्दे पर सियासत काफी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत, फोन टैपिंग पर संसद में हंगामा, सरकार के मंत्री को देनी पड़ी सफाई, फोन टैपिंग पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, बीजेपी कांग्रेस में जारी है वार पलटवार। मॉनसून सत्र में सरकार की राह नहीं है आसान। हंगामा, हंगामा और हंगामा। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। पहले लोकसभा में विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में बाधा डाली, फिर राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय नहीं करा सके। हंगामे को देखते हुए प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं, खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है तो ये भी समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में अभी और हंगामा होना तय है, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले आई फोन टैपिंग और जासूसी से संबंधित रिपोर्ट पर भी सदन में भी हंगामा हुआ है और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री को सफाई देनी पड़ी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप को गलत बताया है, लेकिन इस मामले पर बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस ने फोन टैपिंग पर कई सवाल पूछे हैं। क्या हिंदुस्तान में मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता, कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकारों, एक्टिविस्ट की जासूसी करवाना अगर देशद्रोह नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी शाह जासूसी करवा रहे थे? भारत सरकार ने इजरायली सॉफ्टवेयर कब खरीदा? 2019 से 2021 के बीच मोदी जी को जानकारी थी तो आप और गृह मंत्री शाह चुप क्यों रहे? कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगेसस के माध्यम से, और ये तो एक सैंपल है, पिगेसस सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के उसके सारे पासवर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगेसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। ये शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। द बीजेपी स्ट्रांगली रिफ्यूट्स, कंडेम्स द बेसलेस एंड बिरेफ्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोपराइटी कमेंट्स लेवल बाय कांग्रेस अगेंस्ट द बीजेपी। फिलहाल फोन टैपिंग का मुद्दा जिस तरह से संसद में गूंजा है और जिस तरह से सियासी बयानबाजी शुरू हुई है, उससे साफ है कि मॉनसून सत्र में सरकार की राह आसान नहीं है।
क्योंकि फोन टैपिंग के अलावा भी विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना को लेकर भी रणनीति बना रखी है, जिस पर भी संसद में हंगामा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।